रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का किसान प्राकृतिक खेती के जरिए जहर मुक्त खेती करे और प्रदेश के हर किसान की आय दोगुनी हो। इसी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने के लिए पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें किसान प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी लेते हैं। पाठशाला में किसानों को बागवानी को लेकर भी पूरी जानकारी दी जाती है। सरकार के प्रयास के बाद हरियाणा में किसान रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और मामूली खर्च पर अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है रोहतक जिले की महम तहसील के गांव भरन के रहने वाले राजकुमार। राजकुमार पिछले 18 साल से बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज उनकी गिनती हरियाणा के प्रगतिशील किसानों में होती है। राजकुमार अपनी 4 एकड़ जमीन में बागवानी की फसल कर रहे हैं, फसल से नए पौधे तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी करने वाले किसानों को सरकार की ओर से भी काफी मदद की जाती है। हरियाणा सरकार की ओर से बागवानी करने के लिए फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहां पर जाकर किसान फसलों की पैदावार के लिए सही जानकारी हासिल करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान किसानों को बागवानी करने की पूरी जानकारी दी जाती है। मैं पहले धान, गेहूँ, ईख, बाड़ी, ज्वार, बाजरा यही खेती करता था जी। फिर मैंने 1996 में बागवानी में 1 किला लगाया। उसके बाद मेरी बढ़िया इनकम हुई, फिर मैंने 3 किले और जोड़ दिए बाग में, मैंने 4 किले बाग कर लिया जी। आज से 5 से 6 साल पहले मैंने नर्सरी शुरू करी थी जी। हिसार यूनिवर्सिटी से भी मैंने वो कलम चढ़ाने की ट्रेनिंग ली के बया से आप वो कलम चढ़ाओ, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली जी। प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी करने का काम शुरू किया है, जिससे वे आज बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले 1 एकड़ में बागवानी की फसल लगाई, लेकिन जब बागवानी की फसल में मुनाफा बढ़ने लगा तो 4 एकड़ जमीन पर बागवानी करना शुरू कर दिया। किसान राजकुमार को कृषि अधिकारी कमल सैनी ने बागवानी के साथ साथ नर्सरी लगाने की भी सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने नर्सरी तैयार की और फसलों के नए पौधे तैयार किए। उन्होंने बताया कि आज वह 5 एकड़ की जमीन से 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी करते हैं। पौधे हम बाहर से खरीदने हमने, मुझे पता लगा बाकी अगर आप नर्सरी कर लिया तो उसमें बहुत बढ़िया इनकम होगी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से सलाह ली, DHO से मिला मैं। DHO साहब ने मेरे को गाइडलाइन दी कि आप इस तरह से नर्सरी कर सकते हो। फिर मैंने नर्सरी करी, मैंने फिर 4 किले में नर्सरी और 1 किले में और नेट हाउस है, 5 एकड़ में मैंने नर्सरी का काम शुरू कर दिया जी। फिर मेरे को बहुत बढ़िया इनकम हुई, कम से कम भी 1.5 से 2 करोड़ सालाना मेरी इनकम शुरू हुई जी। किसान राजकुमार ने बताया कि पहले और अब में काफी बदलाव आया है। पहले जब वे परंपरागत खेती करते थे तो इतनी कमाई नहीं होती थी, फसल उगाने में खर्चा ज्यादा होता था और बचत कम होती थी। लेकिन अब जब से उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुक कर नर्सरी में नए पौधे उगाने शुरू किए, तब से उनको पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बचत हो जाती है। इसमें तो जी दिन रात का फर्क है। उस टाइम 50 से 60 हजार रुपए इनकम थी, इस टाइम मैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर कमा रहा हूँ तो आप फर्क देखो जी कितना है। क्योंकि जब मोटी फसल में तो इतना ही लागत आ जाती, इसमें लागत है तो इनकम भी ज़्यादा है जी। सबसे बड़ी बात ये इनकम ज़्यादा है, 1.5 से 2 करोड़ तो बहुत रुपये हो जाए जी कमा। क्योंकि 5 किले का जमींदार अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपये कमा तो बहुत ज़्यादा हो जाए जी। राजकुमार अपनी नर्सरी में कई तरह की फसलों के पौधे तैयार करते हैं। वे आम, अमरूद, किनू, मौसमी, नींबू, चीकू, लीची और अन्य कई तरह के पौधे तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी फसल के पौधे तैयार करने से पहले उनके बीज को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसे सुखाकर उसे लगाया जाता है, फिर 2 से 3 महीने के बीच अंकुरित होने लगता है, फिर फसलों की एक पौध लगाई जाती है। फसल का एक पौधा तैयार होने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। उन्होंने बताया कि 2 साल की प्रक्रिया के बाद पौधे अन्य किसानों को देने योग्य तैयार हो जाते हैं और काफी दूर दूर से किसान उनके पास पौधे खरीदने आते हैं, जिससे काफी अच्छी कमाई होती है।
मैं अमरूद की तैयार करता हूँ जो बेर है, नींबू है, चिक्कू है या आंवला है, बेलगिरी है और मौसमी, किन्नू, माल्टा, ये सभी पौधे मैं तैयार करता हूँ जी। क्या प्रक्रिया रहती है इनकी और कितना समय लगता है इसमें? प्रक्रिया तो जी पहले तो देसी बीज बोया जाता है जी, बीज एक साल के बाद ही वो कलम चढ़ाने लायक होता है। एक साल के बाद यानी कि 2 साल की प्रक्रिया है जी एक पौधा तैयार करने में। उसमें पहले बीज निकाला, जैसे पके अमरूद है या जो भी है बीज निकाला, फिर उस बीज को सुखाया, फिर उस बीज को बोया, 2 से 3 महीने तो बीज जमने में ले लेता जी। उसके बाद फिर जैसे हमने थैली भरी रखी है, आप देख सकते हो ये थैली भरी हुई है, इसमें फिर एक एक पौध, जैसे आप धान की पौध होती है ना वैसे एक एक पौध चुभोई जाती है। उसके बाद एक साल में इसको सेवा यानी पानी, स्प्रे, दवाई सब डालने के बाद एक साल में बीजू पौधा तैयार होता है जी। एक साल में बीजू पौधा तैयार होने के बाद फिर हम उसको ग्राफ्टिंग यानी कलम चढ़ाते हैं। हम 2 से 3 महीने में हमारी कलम चालू हो जाती है, यानी कि 2 साल में पौधा किसानों के खरीदने लायक हो जाता है। इतना ही नहीं, किसान राजकुमार अपने यहाँ काफी लोगों को रोजगार भी देते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करने की काफी लंबी प्रक्रिया है और कोई प्रोसेस से होकर एक पौधा तैयार होता है जिसको पूरा करने में कई लोगों की मेहनत होती है। राजकुमार की नर्सरी में 15-16 लोग काम करते हैं। इसमें लागत है जी 20 से 30 लाख रुपए लागत है। 15 से 16 लेबर मेरे यहाँ काम कर रही है जो सुबह आती है शाम को चली जाती है और 1.5 से 2 करोड़ तक मेरी इनकम सालाना है। किसान राजकुमार ने बताया कि फसलों को तैयार करने में हरियाणा सरकार और कृषि विभाग की ओर से पूरी मदद की जा रही है। जिला कृषि अधिकारियों की टीम समय समय पर मिट्टी की जांच के लिए खेतों में पहुंचती है और सैंपल लेकर मिट्टी की जांच करती है। उन्होंने कहा कि जिला उद्यान अधिकारी कमल सैनी खुद भी आते हैं और अगर कोई समस्या होती है तो फोन पर भी समस्या का समाधान मिल जाता है। हमारे जिला विधान विकास अधिकारी हैं डॉक्टर कमल जी, वो हर महीने हर हफ्ते जब भी मैं उसको बुलाऊं डॉक्टर साहब को जब भी वहाँ तैयार, वैसे भी रूटीन में SDO को भी भेज देते हैं, वह आप जाओ उसकी निरीक्षण करो। और भी टीम आती है, सारी यूनिवर्सिटी से भी टीम आती है, तो हर टाइम टाइम पर मेरे को ये चीज़ करना है, वो करना है, जो भी और सलाह लेनी हो तो कमल जी से फ़ोन पर भी ले लेते हैं जी। सबसे बढ़िया बात डॉक्टर कमल जी हैं जो बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया नॉलेज है डॉक्टर साहब। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और प्रगतिशील किसान का दर्जा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, साथ ही सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें शुरुआत में 7.5 लाख की सब्सिडी दी गई थी और बाद में नेट हाउस लगाने में भी 7.5 लाख की सब्सिडी मिली। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों को 1 एकड़ बाग लगाने में 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर काफी फायदा उठा रहा है। किसान नई फसल लगाता है और सरकार से सब्सिडी लेकर मुनाफा कमाता है और सरकार से भी किसानों को समय पर पैसा मिलता है। मेरे को 7.5 लाख रुपए सब्सिडी मिली थी पहले और जो मैंने नेट हाउस लगाया था उस पर भी मेरे को 7.5 लाख रुपए सब्सिडी मिली थी जी। और किसान को एक किले पर अगर 1 एकड़ बाग लगाएगा तो उसको 50,000 रुपये, 43,000 रुपये बाग लगाने के, 7,000 रुपये जो फसल उसने बदली है, जैसे जीरी लगा, धान लगा होता तो 7,000 रुपये उसके, 50,000 रुपये किसान को सब्सिडी दी जा रही है जी। अच्छा, जो विभाग द्वारा सब्सिडी, सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, स्कीमें हैं, क्या आज के दिन किसान उनसे खुश है? हाँ जी बिल्कुल खुश है किसान, बहुत से किसान आते हैं, पौधे लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं और वो बहुत बढ़िया कि भाई हमारा टाइम पे पैसा आ जाए, किसान खुश है इस बात से, बहुत खुश है जी। राजकुमार का कहना है कि प्रदेश की मनोहर लाल सरकार किसानों के हित में काफी अहम काम कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए अच्छी स्कीम चला रखी है, मौजूदा सरकार ने ही प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी बनाई है और पहले की सरकारों के मुकाबले किसानों को अच्छी सब्सिडी और सहूलियत दी जा रही है और प्रदेश का किसान केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स का अच्छा लाभ उठा रहा है।
देखो सरकार को तो मैं यही कहूँगा जी, सरकार की जो स्कीम चलाई बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है भगवान, ये जो सरकार पहले जो सरकार थी उसने तो 2600 रुपये किलो की सब्सिडी मिलती थी, जो बीजेपी भाजपा सरकार आई इन्होंने ही 50,000 रुपये किलो की सब्सिडी किसानों को दी है, तो इससे बढ़िया सरकार क्या होगी जी। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने फसलों की बिक्री के लिए हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से लाइसेंस भी लिया हुआ है और वे पूरे हरियाणा के जिला उद्यान अधिकारी से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से उनको पौधे बचाने में भी कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने प्रदेश के अन्य किसानों से मोटे अनाज की खेती छोड़कर बागवानी की ओर रुख करने का आह्वान किया। ये जो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से और NHB से लाइसेंस लिया हुआ है, पूरे DHO यानी कि पूरे हरियाणा के DHO को से संपर्क है, वो अपने आप किसानों को के भाई वहाँ किसान बढ़िया पौधे हैं वहाँ से पौधे लो आप, इस हर यूनिवर्सिटी में भी जो डॉक्टर हैं ना जो मेन है वो भी नो कहते हैं भाई आप वहाँ से पौधे लो क्योंकि उसके पास क्वालिटी है, मैं नहीं तो किसी किसान के साथ धोखा करता ओरिजिनल माल देता हूँ। बिक्री में कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है जी, बिक्री में कोई समस्या नहीं है। और किसानों को क्या कहोगे जो अभी भी मोटे अनाज की खेती कर? देखो उनको भी मैं यही सलाह दूंगा जी कि मोटे अनाज की खेती को छोड़कर आप बागवानी की तरफ आए या सब्जी की तरफ, दोनों चीज में बहुत बढ़िया इनकम है जी, बागवानी में भी और सब्जी में भी। हरियाणा सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाओं से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल हो रहा है बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर जैविक खेती से अच्छी कमाई भी कर रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के जरिए हरियाणा में खेती लाभ का सौदा बन रही है और सरकार का प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। किसान राजकुमार की पहल से आसपास के अन्य किसान भी प्रभावित हो रहे हैं और मोटे अनाज की खेती छोड़ ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं।